के रखा हुआ है जहाँ पे आप आराम से बैठ के आपका इवनिंग स्नैक्स और कॉफ़ी पी सकते हो। दे हैव अ नाइस गार्डन ओवर हियर, बट बिकॉज बारिश हो रही है ना बहुत, तो ये बहुत ऐसा गीला गीला हो गया है, अदरवाइज दिस पार्ट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल। तो वी रीच देयर अराउंड 3 o'clock और समथिंग, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रहा था, एंड देन वी जस्ट गॉट स्टक इन ट्रैफिक। पुणे से लोनावला तो हम बहुत जल्दी आ गए, बट लोनावला के अंदर ही हमको अराउंड 45 मिनट्स लग गए यहाँ पे पहुँचने के लिए। बट सिंस वी आर फाइनली हियर, और अभी हमारा लंच टाइम भी निकल गया, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 4 o'clock, तो हमने थोड़ा सा दाल चावल और थोड़ा स्टार्टर ऑर्डर किया है। सो विल ईट आवर लंच एंड देन गेट इन टू पूल, एंड आई जस्ट विश तब तक ये बारिश ना थोड़ा सा रुक जाए। सो यार बारिश तो मतलब रुकने का नाम ही नहीं दे रही थी, तो हमने सोचा चलो स्विमिंग पूल में नहीं जा सकते तो थोड़ा सा हम प्रॉपर्टी एक्सप्लोर कर लेते हैं। और मुझे बहुत क्रेविंग हो रही थी ऐसे वेदर में ना, मुझे बहुत क्रेविंग होती है हॉट चॉकलेट या फिर चाय वाय पीने की। तो हम जा रहे हैं इनका जो प्रॉपर होटल है जहाँ पे दे सर्व फूड, वहाँ पे हम जा रहे हैं। सो यू नो ऑनली आई वाज टॉकिंग अबाउट दीज कॉटेजेस, तो हमारे विला से जब हम रिसेप्शन की तरफ जा रहे थे तो हमको ये कॉटेजेस दिखे, तो आई जस्ट थॉट ऑफ हॉप इन, क्योंकि वहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था और एक तो मतलब मुझे ओपन दिख रहा था डोर, आई जस्ट थॉट कि चलो। अंदर एक बार मतलब स्विमिंग पूल के अंदर गए ना तो हमको पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया, तो वी वर जस्ट हैविंग आवर ओन रिलैक्सिंग टाइम, उनमें फिर कुछ ड्रिंक्स सर्व करे हमको, देन वी वर जस्ट टॉकिंग एंड वी वर जस्ट एंजॉयिंग द नेचर। बीच में मेरा कैमरा पता नहीं कैसे बंद हो गया, उसका बैटरी खत्म हो गया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, तो मैं बहुत सारा फुटेज उसमें से ले नहीं पाई बिकॉज आई थॉट कैमरा चालू है और कैमरा बंद हो गया था। ओके सो मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ अभी, एंड बाहर मौसम देखो देखो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, सिर्फ हवा चल रही है, और बराबर जब मुझे पूल में खेलना था तो ऊपर से बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही थी, देखो नीचे पूरा ये गंदा कर गया वापस जो मैंने स्विमिंग पूल साफ करवाया था। सो एनीवे पूल पार्टी वगैरह तो सब हो गया है, विल सी अभी इवनिंग में जाना है कि नहीं, तो अभी पानी ठंडा हो जाएगा वापस।
सो या वी आर डन एंड वी आर टायर्ड एंड वी आर हंग्री. सो हमने मंगवाया है अभी हमारा लंच, इट्स ऑलरेडी लेट. सो एंड हमने ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी किया था, सो आई जस्ट ऑर्डर माई प्रॉन्स चीज गार्लिक प्रॉन्स और समथिंग एंड हरदीप हैज ऑर्डर द खिचड़ी. सो अगेन हमने खाना रूम में ही मंगवा लिया बिकॉज अभी वापस 3 बजे उनका जो व्हाट यू कॉल होटल रेस्टोरेंट है वो खाना सर्व नहीं करते, बट दे गिव यू रूम में. सो वी हैव ऑर्डर द खिचड़ी एंड माई प्रॉन्स. The food is very yummy. मैं कुछ Google review देखे थे where ना people mention that you know the food is very average. Okay. I don't know why, but I seriously love the food. उनका non vegetarian food भी अच्छा है, seafood भी अच्छा है, normal इनका even खिचड़ी दाल चावल pizza सब कुछ अच्छा है. ये है इस प्रॉपर्टी का रात का व्यू, ये भी बहुत अच्छा दिखता है, बहुत सारे लाइटिंग्स है यहाँ पे, तो डरने की जरूरत नहीं है. वी ऑलरेडी एट लेट सो हम आ गए खाने के लिए, बट वी जस्ट ऑर्डर्ड सम स्टार्टर्स, आई थिंक हरावरा कबाब एंड हनी चिली पोटैटो जो वहाँ के शेफ ने बोला यहाँ की स्पेशलिटी है वो हमने ऑर्डर किया. एंड देन मैंने डेजर्ट में देखा यहाँ पे शाही टुकड़ा मिल रहा है, तो शाही टुकड़ा इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट डेजर्ट, सो हमने वो ऑर्डर कर लिया एंड इट वॉज यम. गुड मॉर्निंग गाइस, सो दिस इज आवर लास्ट डे ऑफ स्टे हियर और अभी हम वापस चले जा रहे हैं और इसके बाद हम जाएंगे अलीबाग के लिए. तो आई थिंक मैं उसका व्लॉग नहीं बनाऊंगी बिकॉज़ इट्स फंक्शनल. सो या दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. The other morning also breakfast was good. हमने सोचा हम थोड़ा सा भी इंडियन ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा बहुत हमने इतना कुछ कुछ खा लिया है ना एक दो दिन में. आई वॉज वेरी हैप्पी, मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. मुझे लगता है मैं इधर वापस कभी आऊँगी, नॉट इन समर्स बट मे बी इन विंटर्स. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग. इफ यू गाइस आर प्लानिंग टू कम हियर टू नॉस्टा विला, डू डेफिनेटली कम विथ योर पार्टनर और विथ योर फैमिली, यू विल डेफिनेटली हैव अ नाइस टाइम हियर. मैं बोलूँगी आप समर में मत आओ, आप मानसून या फिर विंटर्स में आओ, देन आपको बहुत मजा आएगा यहाँ पे. And that's it for today's video. I'll end my vlog here. I hope you liked it and enjoyed watching my vlogs. If you do so, please don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. And I shall see you super soon in my next new video. Till then, watch my other videos. Take care and bye-bye.